अच्छे से कपड़े धोना। अजी कह देती हूँ तुमको, सर्फ लेके नहीं आते हो और कहते हो अच्छे से धो दो। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज सो दिस इज लाइक इन द सेकेंड डे एंड वी स्टे 2 days इन पदुम। सो टुडे वी आर मूविंग फ्रॉम पदुम टू पूर्णिया विच इज़ अराउंड 50 kilometers फ्रॉम हेयर। And we are not sure as of now whether the road is good or bad. Let's see, because we already cover around 180 kilometers off-roading, which is really really bad. But it's a good experience, and the bike performed really really well. All the bikes, I can say, the journey is going quite well. थोड़े ups and downs होते रहते हैं, that's a part of our life. So अभी चलता हूँ मैं bike को lube करने के लिए। डन एज ऑफ नाउ। सखिल की बाइक भी रेडी हो चुकी है, मेरी भी हो चुकी है, परिचय की भी हो चुकी है, दीपक भाई की रेडी हो रही है इस टाइम पे। लगता है कुछ ज़्यादा मेजर इशू आ चुका है कि सारे एनल पैनल सब खुल चुके हैं अभी। सो क्या हो गया दीपक भाई इसका? ओके लगता है दीपक भाई का मडगार्ड का पेच ढीला हो चुका है। इसके लिए दूसरे वाला स्क्रू चाहिए या दूसरे एनल की? हिल रहा है क्या इसका? तो कोई दुकान भी नहीं खोली होगी। अदरवाइज तो मैं भी चलता हूँ रूम में प्रॉपर। अभी तो सिर्फ मैंने राइडिंग पैंट पहनी है, अब शूज़ वूज और जैकेट पहन के आता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे और ठंड लग रही है। इससे पहले ठंड मुझे पकड़े, मैं जैकेट को पकड़ के पहन लेता हूँ और अंदर चलता हूँ फटाफट से अपने रूम के लिए। टैंक बैग रह गया, उसको मुझे फिट करना है। तुम्हारा क्या रह गया? ठीक है। अरे फ़ोन पाया हुआ मिला, अभी भी आप ट्रिप में जाते हो तो फ़ोन पाया हुआ मिल सकता है आपको, तो आप उसको छोड़ना मत, रख लेना है। दर्पण जी का भी बैग पैक हो चुका है। कल एक्चुअली दर्पण जी की थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि कल रात औरते तो दर्पण जी डर चुके थे। उन्होंने सोचा कि कल दोबारा भूकंप और ना आ जाए, तो ही इज़ वेरी कॉशियस एक्चुअली, बट ही इज़ नाउ ओके एज ऑफ नाउ। तो अभी मैं सामान वामान पैक करता हूँ, थोड़ा जितना भी रह गया मेरा, तो मैं चलता हूँ बाइक के लिए दोबारा से। सामान दोबारा कुछ और रह गया मेरा, तो अब हम आपसे रास्ते में मिलेंगे। सो हम पदुम से निकल चुके हैं, थोड़ा सा लेट हैं, अभी 9:30 बज रहे हैं। धूप खिली खिली निकली हुई है और हवा भी अच्छी चल रही है इस टाइम, मतलब हल्का हल्का ठंडा भी है। एंड क्योंकि और कल रात को अराउंड 4 बजे यहाँ पे भूकंप आया था, तो था थोड़ा सा, कुछ सेकंड का था, बट थोड़ा सा हिल गए थे हम, बिकॉज हमने सोचा कि कहीं ऊपर जो पहाड़ था बर्फ़ वाला वो भी नीचे ना गिर गया हो। तो वो सुबह मैंने देखा तो वो ठीक था। तो पदुम से पूर्णिया अराउंड 50 किलोमीटर है, एंड बट नॉट श्योर अबाउट द रूट। अभी तो रूट ठीक है, एंड अब ये रूट तो यहाँ से हमारी ऑफ राइडिंग स्टार्ट हो गई है। और रोड मतलब पूरी मतलब रेत और पत्थर वत्थर है, क्योंकि और जो पत्थर बेसिकली हैं वो थोड़े से आपको ऐसा फील आएगा समुद्रों वाले पत्थर हैं यहाँ पे। और कहीं कहीं पे जो रेत है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अंदर टायर जब धंसने लगता है तो थोड़ा स्पीड कम हो जाती है। बट एटलीस्ट नाउ 40 की स्पीड आराम से मेंटेन कर रखी है। बट रियली कॉशियस ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे कभी भी एकदम से स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रेत और मिट्टी भी है और पत्थर भी हैं। और यहाँ पे अभी बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पे पीछे भी हमने देखा था, पीछे भी जैसे JCB लगी हुई थी, कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था पूरा, क्योंकि पहाड़ टूट रहे हैं, पहाड़ को वो फ्लैट कर रहे हैं। जब वो फ्लैट हो जाएगा ये रास्ता, देन उसके ऊपर फिर टारबैंक वाली रोड बनेगी अभी। तो सो अब यहाँ पे हमें एक और हॉल्ट करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आगे JCB अपना पहाड़ को काट रही है और उस जगह को पूरा क्लीन करके जितने पत्थर हैं बाकी सबको नदी में नीचे फेंक रही है। और अभी देखते हैं कितना यहाँ पे टाइम लगता है और कितनी जल्दी यहाँ से हम निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना ये बहुत ख़राब करता है टाइम। रास्ते में जब भी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि 50 किलोमीटर हम जल्दी कवर कर सकते हैं, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक। सो अभी थोड़ी बाइक मेरी डिसबैलेंस हो रही है, तो अभी मैं दीपक भाई को बोला कि थोड़ा एक पत्थर दे दो फ्लैट सा, ताकि बाइक के जो स्टैंड है उसके नीचे मैं इसको लगा सकूं और बाइक प्रॉपर खड़ी हो सके। सिंगल स्टैंड जो साइड स्टैंड वाले बाइक्स में ना, ये सबसे बड़ा इशू रहता है आपको, कि आपको अगर हल्का सा डिसबैलेंस वाली जगह हुई ना, वहाँ पे खड़ा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तो अब ये पत्थर ट्राई करता हूँ मैं कि ये कितना ज़्यादा मैंने फ्रूटफुल रहता है, वेदर इट्स वर्क और नॉट। सो आई थिंक या प्रॉपर बैलेंस हो चुकी है बाइक मेरी, तो अब मैं इसको आराम से इजीली स्टैंड आउट कर सकता हूँ इस पोजीशन पे। ओके नाउ इट्स डन। अब उतरते हैं और अभी देख कर आते हैं आगे क्या और कितना टाइम लग सकता है इस काम को, आगे जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन वाला काम, उस काम को कंप्लीट होने में। तो चलो आगे देख कर आते हैं क्या सिचुएशन है आगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे हैं अभी और कुछ बिल्कुल पानी में जाके छपाक मस्त बिल्कुल दिखता है, और पूरा पहाड़ी कट चुका है यहाँ पे काफ़ी हद। अभी रोड नहीं दिख रही बिल्कुल आगे, तो अभी प्लेन कर रहे हैं जेसीबी पत्थर गिरा गिरा के, और कुछ पत्थर तो इतने बड़े थे, अभी एक से ये पोल के साथ भी टकराया था पत्थर एक। ये देखो एक पोल पत्थर गिरा और क्या धूल ही धूल हो रही है। तो इसी पोल पे अभी एक ये बड़ा पत्थर आया था, ऐसा ही पत्थर आया एक जिस पोल से टकराया और ये पोल हिल गया था, मतलब सीम लगा के कहीं गिर ना जाए। तो वो पूरा स्टीप है यहाँ पे, मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, गलती करे तो आप समझ लो गए। तो वेरी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस होके यहाँ पे काम करना पड़ता है, या अपना बेसिकली ड्राइव करनी पड़ती जो काम हो। गुड बाय न्यू मेरे सेना का। ओह वाह अमेजिंग मैन। फरीचे भाई वापस आ जाओ, चलते हैं वापस, यहाँ बहुत धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा। करता रहता है तो उसको पता है। ये तो बेचारे यहाँ पे हेल्पर हैं, ये तो अभी जाएगा अपने साइड पे हो जाएगा। ये क्या कह रहा था, ये क्या कह रहा था? यू कैन चेक माय गोप्रो, समथिंग इज गॉन, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये दो तो अराउंड बैड न्यूज़ है, 2 बजे तक ये फ्री हो पाएंगे हम यहाँ से। लेट्स सी कब फ्री हो पाते हैं इस एक्टिक से। ये देखो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं देखो कैमरे के आगे। इट वॉज अमेजिंग मैन। एंड क्या बोलूँ मैं, 1.5 घंटे हमारे वैसे ही ख़राब हो गए थे नीचे, और बट सम हाउ वी मैनेज इट। एंड क्योंकि रोड ना पूरा वहाँ पे क्या अभी जगह बन रही है उसके ऊपर फिर रोड बनेगी, तो इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली 1 ईयर तक तो कंप्लीट हो जाएगा सारा काम यहाँ का। एंड बट डेफिनेटली इफ़ यू आर यू नो लव टू राइड योर बाइक स्पेशली ऑन द डिफिकल्ट टेरेंस ऑफ राइडिंग, देन डेफिनेटली दिस इज फॉर यू। बट 1-1.5 साल बाद ये सब क्लीन अप हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगी रोड, तो आपको इतनी डिफिकल्ट फेज नहीं होंगे। पीछे में बहुत ज़्यादा इशूज़ थे पीछे, हम नीचे से आए हैं वहाँ पूरा पूरा रेत ही रेत थी, तो रेत काफ़ी ज़्यादा डीप थी, तो इतना इतना इससे ज़्यादा थी रेत, मतलब पूरी डीप, तो बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। बट सम हाउ अवर बाइक्स मैनेजेस वेरी वेल एंड दैट्स इट। पूर्णिया थोड़ी सी 2 किलोमीटर रह गया, जैसे ये पहाड़ है इसको क्रॉस करने के बाद पूर्णिया आ जाएगा एंड देन वी विल रीच अवर डेस्टिनेशन। सो अब ना चलते हैं वापस। अभी सिर्फ मेरे साथ दीपक एंड परिचय पहुँचे हैं, और
शकील वहाँ से आ रहा है। शकील एक दो स्लिप भी हो गया था थोड़ा सा, बट पूरा स्लिप नहीं हुआ, बट हाँ बाइक थोड़ा सा टिल्ट हो गई थी, बट ही मैनेज इट टू यू नो गेट ऑन द बाइक एंड स्टार्ट राइडिंग द। सो अब आगे चलते हैं एंड सी अबे कितना 15 मिनट्स लगते हैं और 20 मिनट्स लगते हैं पूर्णिया पहुंचने में। तो दिस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये जितना इजी लग रहा होगा वीडियो में मैं, बट रियलिटी में इट्स मच मोर डिफिकल्ट, मच मोर। फाइनली हम पूर्णिया पहुंच चुके हैं और बहुत ही बुरी हालत में भाई पानी से मुंह धो रहे, मजा आ गया। और वो है पूर्णिया विलेज, बहुत छोटा सा विलेज है, ज्यादा नहीं है। अभी हम ऊपर जाएंगे, अभी हमारे साथ हमारे एक दो फ्रेंड्स और ऊपर रह गए हैं, अभी वो गाड़ी से नीचे आएंगे, देन उनके साथ हम मिलके आगे विलेज में जाएंगे और अपने गाँव वालों से विलेज से पूछेंगे कि कहाँ कैंपिंग साइट कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑन दोज मैटर्स एंड देन हम कैंपिंग अपना करेंगे उधर, और उसके बाद फिर हमारा जो जाना है तो कैंपिंग यू नो करने के मतलब कैंप सेटअप करने के बाद उसके बाद फुकतुल मोनेस्ट्री है जो यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, रिवर बेड पे मस्ती मार रहे हैं। ये फेंका दीपा भाई ने पत्थर जो छपाक कर गया तो अभी तो इन्जॉय करते हैं यहाँ पे मस्त, बिल्कुल
और ऊपर चल के अभी तो कैंप लगाते हैं, फिर देखते हैं, फिर मैं आपके साथ। सो भी यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट ओके सबसे बड़ा शराबी लग रहा है, यही है शराबी, यही है सबसे बड़ा। सो वी आर, सो ही इज टेकिंग द लोकल बियर, हाउ इज द टेस्ट? नाइस, लेट मी ट्राई। इधर मत दियो तो मिलती है, ये मैं सुन रहा हूं, गलत बात है यार। वेरी नाइस, इसको भी चाहिए। यू वांट टू टेस्ट दिस? The local beer. Yeah, oh, the barley. Yes. Now he is tasting. Yeah, उससे बनी है क्या चावल से? The rice. Barley. I think इसमें ना वो ginger डाल के इसको फिर। नहीं, this is not ginger. Okay. तो अभी मैं फटाफट से चावल दाल खाता हूँ और ब्रेड ऑमलेट ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, इसको फिनिश करके हम कैंपिंग करेंगे, अपने टेंट कॉन्फ़िगर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं प्लेस पे एंड देन एंजॉय करते हैं। सो ये दोनों टेंट्स हमारे लग गए हैं और इसमें जो सबसे पहले सोने का आनंद एंजॉय जो कर रहा है हमसे, ये वाइट वाला टेंट है और एक ग्रे वाला टेंट है, दैट्स इट। और आपका मुँह का दर्शक मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे पहाड़ी आप देख सकते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है बेसिकली यहाँ पे, और धूप बहुत है यहाँ पे अभी फ़िलहाल, तो जैसे ही धूप ख़त्म होती है फिर देखते हैं कितनी ठंडी होती है यहाँ पे, क्योंकि पूरा ओपन पहाड़ है एंड अभी हवा काफ़ी अच्छी ठंडी चल रही है। तो आज खाने का तो है जो हमारे पास रेडी टू कुक फूड पड़े हुए हैं वही ट्राई करते हैं, अगर लगता है नहीं हो पाएगा देन जो हमारा जिस लोकेशन पे हम रुके हुए हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी यू नो द फूड आउटलेट भी है, तो वहाँ पे जाके हम अपना खाना वाना खा सकते हैं। ये टेंट भी लगा हुआ है, ये टेंट भी लगा हुआ है यहाँ पे, और ये बताइए लड़का कहाँ जा रहा है चढ़ के? चेयर प्लास्टिक की वहीं से उठा लेंगे ना अपन, पड़ी तो ही है वहाँ पे। तुम्हारी धन्नो कपड़े धोती हुई, अरे भगवान एरियल लाया है तुम्हारे लिए हम, सर्फ एक्सेल लाइए ना, एरियल महंगे वाला लिया है, एरियल तो सस्ता होता है। ये देखो क्या करने लग रहा है ये, अरे यार बड़ी मुश्किल से बचाया था साकेल यार। और शकील भाई साहब यहाँ पे योगा पोज करते हुए, मैं करूँगा शाबाश सबसे बढ़िया। तो आप एंजॉय करेंगे यहाँ पे। सो आज तो अलग ही मज़ा था, अभी मार खड़े हुए थे और इतने सारे स्टार्स थे, कांट बिलीव ऑन दैट ओके। और उनमें से मोस्टली आधे से ज़्यादा हमने सैटेलाइट्स भी देखी जो मूव कर रही थी, क्योंकि तारे डेफिनेटली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, तो उसमें से सैटेलाइट्स भी थी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही थी, तो अमेजिंग व्यू था, मेसमराइजिंग ओके। सो अभी हम डिनर करते हैं, और डिनर में राइस, चपाती, दाल एंड पोटैटो, तो इसको फिनिश करते हैं और लेट्स टेस्ट द फूड। सो दिस इज माय टेंट। तो आज मैं पहली बार अपना मतलब पर्सनल टेंट यहाँ पे यू नो लेकर आए, और इसमें हमने खुद इसको विद द हेल्प ऑफ परिचय हमने टेंट को ये बिल्डअप करा यहाँ पे। और जो इसका इनोवेशन था, जो भी आइडिया था, वो था दीपक भाई का। भाई पुनीत, हाँ उसको बंद कर दे, कीड़ा वीड़ा आने का डर है उसे। अच्छा, उसे पूरी बंद कर दे। ओ माय गॉड। सो अमेजिंग द एक्सपीरियंस है, पहली बार मैं, आप देख सकते हो ये वाला स्लीपिंग बैग में सो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं मम्मी बन गया हूँ पूरा का पूरा। ओके, मम्मी वाला मम्मी नहीं, दूसरे वाला मम्मी, इजिप्ट वाला मम्मी। तो इसमें सो के देखते हैं और कल आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कैसा लगा, क्या मज़ा आया टेंट के अंदर सोने में। वैसे टेंट में तो सोए हैं पहले, बट वो ये इस टाइप के टेंट नहीं थे, वो दूसरे टाइप के बड़े बड़े टेंट होते थे जिस पर हम सोते थे। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंस दिस थिंग। तो अभी गुड नाइट बोलते हैं
और आपसे हम कल मिलते हैं। तो आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था, अच्छा लगा, मज़ा आया। अब हम हैं पूर्णिया में, जहाँ की रात बहुत ही काली और रात मस्त वाली है। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे है कि जो तारे इतने सारे दिख रहे हैं ना, वो देखते ही बनता है। तो अभी वीडियो करते हैं बंद, कल की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे कल। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि, बाय बाय।